और चलिए बहुत स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज में। सबसे पहले शुरुआत पीएम मोदी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। एक बड़ा तोहफा युवाओं को दिया गया है। यूपी में अपराध घटा है, निवेश बढ़ा है। पीएम मोदी की ओर से अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आयोजित रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि आजादी के अमृत काल में आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फूड से लेकर फार्मा तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए बहुत सारे